तो भाई इन्फिनिक्स नोट 7 कौन सा डेट में इंडिया में लॉन्च होने वाला है, रेडमी 9 का प्राइस क्या होगा और कब इंडिया में रेडमी 9 लॉन्च होगा, पबजी इंडिया में बैन होने वाला है, व्हाट्सएप फेसबुक चाइनीज एप्लीकेशन है क्या, काफी सारा कमेंट आप लोग किए हैं। आज कम्युनिटी टैब में मैं जो पोस्ट किया था कि आज Q&A वीडियो होने वाला है, तो आप लोगों ने बहुत सारा भर भर के जो है कमेंट किया है, तो भाई सारे कमेंट को जो है मैं पिकअप कर चुका हूं। तो आज ये वीडियो जो होने वाला है #commentbox एपिसोड नंबर 9 नहीं 10 होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और सारे भाई का नाम मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस जगह पे जो है आपको कमेंट देखने को मिल जाएगा, तो आप एडजस्ट कर लेना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन किया है कि भाई कौन सा मोबाइल है जो कि चाइना का है, हमें कैसा पता चलेगा, तो आप जिस मोबाइल का मतलब जिस ब्रांड का बारे में जानना चाहते हैं उस ब्रांड का नाम और साइज में विकिपीडिया लिख के गूगल पे सर्च करना, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कहाँ का कौन सा ब्रांड है, जैसे कि रेडमी रियलमी चाइना का है, उस तरीके से आप हर एक ब्रांड का जो है लोकेशन देख सकते हैं कौन सा ब्रांड कौन सा जगह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई पबजी चाइना का तो नहीं है, जी हाँ पबजी चाइना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर व्हिच मोबाइल ब्रांड ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का कौन सा ब्रांड है, तो भाई इस बारे में एक वीडियो डिटेल्स में चैनल पे अपलोड हो चुका है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि माइक्रोमैक्स लाभा वीडियोकॉन और भी बहुत सारा ब्रांड है जो कि इंडिया का है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे व्हाट्सएप या फिर इंस्टा नंबर दीजिए बात करना है, भाई व्हाट्सएप नंबर तो नहीं दे सकता, इंस्टा पे मैं हूँ नहीं। अब आप मुझे कमेंट करना कि कौन सा टॉपिक मैं आपको बात करना है, फिर मैं आगे सोचूंगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कमेंट किया है कि भाई बेस्ट नॉन चाइना फ़ोन 10,000 के अंदर, तो मैं आसूस का रिकमेंड करूंगा, आसूस का जो M2 Pro है उसको आप खरीद सकते हैं 10,000 के अंदर, आसूस जो है चाइना का फ़ोन नहीं है। अब नेक्स्ट जो कमेंट है कि भाई आईकॉल K4 Plus के सच्चाई बताइए, भाई आईकॉल K4 Plus में एक ही बात कहूंगा कि नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ये भी चाइना फ़ोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोटो मोबाइल इंडिया का है, जी नहीं मोटो जो है वो चाइना का है, पहले US का था, बाद में जो है लेनोवो ने उसको खरीद लिया है और लेनोवो चाइना का है, मतलब मोटो भी अब जो है चाइना का हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट्सएप फेसबुक इंडिया का है, जी नहीं इंडिया का तो नहीं है लेकिन चाइना का भी नहीं है, USA का है फेसबुक। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टेक्नो इन्फिनिक्स मोटो कहाँ का है, तो भाई आपको जो है आंसर कमेंट में ही मिल गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पबजी रहेगा, जी हाँ पबजी मुझे नहीं लगता है अभी इतना जल्दी बैन होने वाला है, थोड़ा टाइम तक रुकेगा, बाद में अगर गवर्नमेंट कोई डिसाइड लेता है तो अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फिनिक्स मोबाइल इंडिया में नहीं आएगा क्या आफ्टर बाइकॉट, तो भाई अभी जो है बाइकॉट हम लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, तो जब तक गवर्नमेंट ये सब नहीं बताता है मतलब बाइकॉट नहीं करता है, तब तक जो है इन्फिनिक्स मोबाइल इंडिया में आता रहेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बंगाली में लिखा है, भाई पूछा है कि मेरा घर कहाँ है, मेरा फुल नाम, और 1 मिलियन सब्सक्राइब होने के बाद भूल तो नहीं जाओगे, भाई सेंटी मत करो यार रोने लग जाऊंगा, नहीं मैं भूलने वाला नहीं हूँ, मेरा नाम है अमित मंडल और मेरा घर है वेस्ट बंगाल मालदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है अब गांव ना पूछना, ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडमी 9 इंडिया में कब आएगा, रेडमी 9 का लॉन्च डेट अभी तक इंडिया का कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल ये फोन जो है चाइना में लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द, अब चाइना के बाद ही ये फोन इंडिया में आएगा, तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, 1-2 महीना लेट हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द ये फोन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होनर 9X Pro लेना चाहिए, जी नहीं अभी का डेट में होनर 9X Pro आपको नहीं लेना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉपअप के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 7,000 नॉन चाइना फोन, तो भाई नॉन चाइना फोन अंडर 7,000 तो आसूस का ही फोन आपको लेना चाहिए, आसूस का जेन फोन सीरीज का फोन आपको मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लेना गूगल पर सर्च कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी बंगाली में क्या है कि मेरा घर क्या है मेरा नाम, भाई मैं तो बताया, अब चाइना मोबाइल बंद होने के बाद इंडियन मोबाइल का प्राइस ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात किया है, जी हाँ अगर ऐसा होता तो इंडियन जितना सारा ब्रांड है वो पहले पॉपुलर हो जाता, उन सारे ब्रांड जो है ये सस्ते में मोबाइल नहीं दे पाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखने वाली बात होगा कि जब चाइना मोबाइल इंडिया में आना बंद हो जाएगा तो इंडियन मोबाइल का प्राइस ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, मुझे तो लगता है ज़्यादा होने वाला है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आईकॉल ब्रांड मेड इन इंडिया है, जी नहीं आईकॉल इंडिया का नहीं है। नेक्स्ट है योर हॉबी, मेरा हॉबी बात करूँ तो यूट्यूब और सेकंड बात करूँ तो मैं मूवीज़ देखना बहुत पसंद करता हूँ, नेक्स्ट कोई ऐसा हॉबीज़ है नहीं। अब जो नेक्स्ट कमेंट क्या है कि भाई बेस्ट मोबाइल अंडर 8K बेस्ट मोबाइल रियलमी का फ़ोन है C3 जो कि चाइना मोबाइल है, फिलहाल अभी इंडिया में ऐसा कोई मोबाइल है नहीं। अब आप लोग ना कमेंट में मुझे ये भी मेंशन कर देना कि किस लिए आपको बेस्ट चाहिए, गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए, डे टू डे यूज करने के लिए, आप थोड़ा ये मेंशन कर देना तो मुझे जो है क्लियरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट किया है इन्फिनिक्स नोट 7 इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं, तो इन्फिनिक्स की तरफ से ये नहीं बताया है कि इन्फिनिक्स नोट 7 इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। नेक्स्ट कमेंट किया है कि 10,000 के अंदर अच्छा वाला फ़ोन
10,000 के अंदर अच्छा वाला फोन की बात करें, आप लोग मेंशन कर देंगे कि किस लिए आपको फोन चाहिए, गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए। अगर 10,000 के आसपास की बात करें तो आपको Redmi Note 8 खरीदना है, या फिर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो Narzo 10 ये भी खरीद सकते हैं। आपको लुक और डिजाइन में अच्छा चाहिए तो आप S5 Pro कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट किया है Infinix Note 7 और Note 7 Lite इंडिया में कब लॉन्च होगा, Realme X3 X3 Pro का प्राइस। तो इंडियन लॉन्च डेट जो है अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो कमेंट है ना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं इसका रिप्लाई भी बहुत मतलब देते देते थक गया हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्द आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कभी भी जो है इसके बारे में आपको वीडियो चैनल पर अपलोड होते हुए देखने को मिल जाएगा। और Realme X3 और X3 Pro का प्राइस बताऊँ तो कन्फर्म प्राइस तो नहीं बता सकता हूँ, फ्लैगशिप फोन होने वाला है तो प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन कन्फर्म प्राइस फिलहाल अभी नहीं बता सकता हूँ, लॉन्च के बाद ही बता सकता हूँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Realme 6 में डेसिमा पॉइंट एनिमेशन चार्जिंग आएगा कि नहीं। जी हाँ, आ सकता है क्योंकि ये Realme का ही फोन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Redmi 9 Redmi Note 9 लॉन्च डेट कंफर्म कर दो। भाई मैं कैसे कंफर्म कर दूँ, ये तो Redmi की हाथ में है, मतलब Redmi जब चाहेगा तभी ये फोन इंडिया में आएगा, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Redmi 9 का लॉन्च डेट क्या है। भाई यही तो मैं बताया, अभी Redmi 9 जो है चाइना में लॉन्च होने वाला है, बाद में जो है ये फोन इंडिया में आएगा, तो देखते हैं कब आएगा, बहुत जल्द ये फोन इंडिया में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमसंग का M30 और M40 के बीच में कैमरा क्वालिटी कौन सा बेटर है। M40 का कैमरा ज़्यादा बेटर है M30 से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, Realme C3 और Realme 5i कब तक स्टॉक में आ जाएगा। तो C3 और 5i जो है ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिलहाल अभी जो है स्टॉक में नहीं आने वाला है, तो जब भी स्टॉक में आ जाएगा तो आपको जो है चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि Redmi 9 Infinix Note 7 कब इंडिया में आएगा। तो Redmi 9 जो है मैं तो अभी बताया चाइना में लॉन्च होने वाला है, उसके बाद इंडिया में आएगा, और Infinix Note 7 जब लॉन्च डेट कंफर्म हो जाएगा उसके बारे में वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। फिलहाल अभी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कोई भी न्यूज नहीं मिल रहा है कब इंडिया में लॉन्च होगा। तो अगर आपको अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Realme 6 और अदर फोन का प्राइस कब कम होगा। फिलहाल अभी नहीं कम होने वाला है, अभी जो है थोड़ा टाइम तक ऐसे ही रहेगा, GST ज़्यादा कर दिया है और भी काफ़ी सारा जो है अभी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मोबाइल जो है स्टॉक में भी नहीं है, तो अभी फिलहाल कम नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन यू प्रोमोट माई यूट्यूब चैनल। मैं यूट्यूब चैनल जाके देखा, कुछ ही वीडियो है भाई, पहले वीडियो अच्छे से बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करो, थोड़ा सा अच्छा अच्छा टॉपिक लाओ, फिर अगर हो सके तो मैं प्रोमोट कर भी दूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 12,000 के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। तो 12,000 के अंदर अभी तो गेमिंग के लिए जो है Realme Narzo 10 है। अब भाई ये थोड़ा सा मेंशन कर देना कि किस लिए आपको बेस्ट चाहिए, मुझे थोड़ा सा अच्छा से बताने में मतलब हेल्प होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, Infinix Note 7 जो है कब आ रहा है। भाई Infinix Note 7 बहुत जल्द आ रहा है, पता नहीं कब आएगा, क्योंकि Infinix Note 6 जो है ना वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, मैं इसके बारे में वीडियो बनाया था। Note 5 जो है इंडिया में आया था, उसके बाद Note 6 इंडिया में नहीं आया था। अब Note 7 Lite आएगा कि नहीं, बहुत मुश्किल से मैं पता लगाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई न्यूज नहीं है। अब जब भी कोई न्यूज आएगा तो मैं चैनल पर वीडियो जरूर अपलोड करूँगा। तो ये सारा कॉमेंट था जो कि आज मैं पिकअप किया हूँ, बाद में अगर कोई कॉमेंट किया होगा तो भाई सॉरी, मैं जब तक देखा इतना सारा कॉमेंट था, सारे कॉमेंट को मैं पिकअप किया हूँ। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आप चाहे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बाजू में बेल का घंटा उसको जरूर प्रेस कर देना, आने वाला ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो से जाने से पहले अगर आप चाहे तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं, और आप चाहे तो ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।